हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएच इकोनॉमिक्स चैनल। तो आज आम पब्लिक इकोनॉमिक्स रो लास्ट पार्ट माने एटा पार्ट फोर रहिबो। हमरो ऑलरेडी पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री डिस्कस हो सारी, तो एटा पार्ट फोर रहिबो लास्ट पार्ट। एटा आम 200% कम्प्लीट करदे। तो जो मैंने चैनल को नुआ आ सब्सक्राइब कर दिव, एंड वीडियो भल लगे कमेंट करो। आउ नेक्स्ट वीडियो रे आम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को आनिबा। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन आज 151 क्वेश्चन होची, ए प्रिंसिपल व्हिच स्टेट्स दैट दोज हु आर एसेंशियली इक्वल शुड बी टैक्सेस इक्वली। जो मैंने इक्वल अच्छा से मैंने इक्वली टैक्स पे करेंगे, से कौन कहु वर्टिकल इक्विटी बेनिफिट प्रिंसिपल, हॉरिजॉन्टल इक्विटी एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। तो 151 रो राइट ऑप्शन टा कौन हो कह से पचार जो प्रिंसिपलटा आमर जदि खाली कही था जे इक्वल को इक्वली टैक्स लागू हम सर हो वर्टिकल इक्विटी, किंतु ये पचार प्रिंसिपल। तो से प्रिंसिपलटा को कौन कह जाए ना बेनिफिट प्रिंसिपल, मैंने समस्ते से बेनिफिट पाइपर मैंने इक्वल ग्रुप को इक्वल टैक्स लागू हम से जो प्रिंसिपलटा को कह जाए बेनिफिट प्रिंसिपल। आउ जदि से कनसेप्टा को कह जाए कौन वर्टिकल इक्विटी, जदि खाली पचार था इक्वाली को इक्वल ग्रुप को इक्वल ट्रीट इक्वल टैक्स लगे से वर्टिकल इक्विटी कहता ये पचार प्रिंसिपल को प्रिंसिपल से कह बेनिफिट प्रिंसिपल। तो नेक्स्ट 152 क्वेश्चन, से क्वेश्चन कौन ए प्रोग्रेसिव टैक्स वेट्स मोर हेविली अपन द क्या उपरे प्रोग्रेसिव टैक्सटा अधिक माने लागू हुए प्रोग्रेसिव टैक्सटा पोर मानक ना वेज आर्नर्स मानक ना फार्मर्स मानक ना रिच मानक। तो 152 जदि आम राइट ऑप्शन देखा प्रोग्रेसिव टैक्स रे आम जानसे कौन ना जहाँ इनकम अधिक सी अधिक टैक्स दब। तो ये पोर मैंने तो सब कम टैक्स देवे, जी मैंने सब अधिक धनी सी ही सब अधिक टैक्स देवे। तो तार जदि आम बर्डन देखापी जा मैंने वेटा बर्डन तो रिच पीपल उपर सेमती जिते टैक्स देले भी से तो रिच अच्छा टैक्स देवे। तो वेटा क्या उपर बेस लागू हम ना रिच मानक अधिक टैक्स लागू हम कहीं से रिच अच्छा अधिक इनकम ग्रुप अच्छा तो से अधिक टैक्स देवे। तो वेटा रिच मानक अधिक र। तापर 153 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी ऑफ टैक्सेशन, या भितर कोटा सबुटु अधिक माने कौन टैक्सेशन रे सबुटु अधिक चली जोटा को आम लागू करुचु, तो सेटा कौन हम बेनिफिट थ्योरी ना आउ कौन अच्छे ऑप्शन रे कॉस्ट ऑफ सर्विस थ्योरी ना एबिलिटी टू पे थ्योरी। आम जानसे जो टैक्सेशन ले सबुटु बेस्ट प्रिंसिपलटा कौन से एबिलिटी टू पे थ्योरी, तो जहाँ जितकी एबिलिटी से अनुसार पे कर। तो 153 रो राइट ऑप्शन टा सी हो जीव आ कौन। तो नेक्स्ट 154 क्वेश्चन को आसवा ये से कौच व्हिच अमंग द फॉलोइंग डज करेंटली इम्पोज सर्विस टैक्स इन इंडिया। तो सर्विस टैक्सटा किए इम्पोज करे स्टेट सेंटर ना यूनियन टेरिटोरी ना समस्ते मिसिकी। तो 154 रो राइट ऑप्शन देखिबा जदि से होची सेंटर आमर सर्विस टैक्सटा किए करे इम्पोज करे से सेंटर इम्पोज करे। तापर 155 स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस इनक्लूड्स पब्लिक रेवेन्यू पब्लिक डेप्ट, एटा डेप्ट नुहे डेप DEPT डेप्ट DEBT हो। पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑल ऑफ दिस। तो 155 रो राइट ऑप्शन कौन हो स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस रे पब्लिक रेवेन्यू भी आसूची पब्लिक डेप्ट भी आसूची पब्लिक एक्सपेंडिचर भी आसूची ताले ऑल ऑफ द अबव राइट ऑप्शन डी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन हो द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग रे रिसीव्ड रिन्यूड अटेंशन इन इंडिया विथ द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ को ईयर रे 1993, 1992, 1995 ना 2000 डिसेंट्रलाइज्ड जो प्लानिंग होता। तो 156 रदि आम राइट ऑप्शन देखा सेटा हो कौन ना सेटा बी हो ईयर राइट ऑप्शन माने 1992 मसीह 1992 रे से डिसेंट्रलाइज। तापर द इंडियन इनकम टैक्स इज को टाइप रो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल इनडायरेक्ट प्रोग्रेसिव ना डायरेक्ट प्रोग्रेसिव। तो इंडियन इनकम टैक्सटा को टाइप रो को स्ट्रक्चर अच्छी बोली सी पचार 157 रो राइट ऑप्शन कौन हम ना सेटा आमर इंडियन इनकम टैक्सटा केवल से इनकम टैक्स कथा पचार अन्य टैक्स नुह केवल इनकम टैक्स। इनकम टैक्सटा आम जानचे कौन ना जहाँ जिते इनकम से अधिक से अनुसार टैक्स दब। तो यहाँ कौन इनकम टैक्सटा गोटे को टाइप रो टैक्स डायरेक्ट टैक्स
वन तो डायरेक्ट टेक्स आइदर ए न डी आम ये ऑप्शन रु देखा आइदर ए हो पारे किंबा डी हो पारे आउ एटा होची डायरेक्ट टेक्सटा कौन केमी इनकम टैक्सटा आमर प्रोपोर्शनल तो हेनी प्रोपोर्शनल मानने सामान हो समस्ते सामान टैक्स देवे सेमती नुह मानने प्रोग्रेसिव टैक्स जार जिते इनकम से अनुसार से टैक्स देवे तो यहाँ डायरेक्ट आउ प्रोग्रेसिव हम राइट ऑप्शन तो 157 लो डी हो राइट ऑप्शन तापर 158 द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजेटिंग बजेटिंग मेन ऑब्जेक्टिव कौन प्लानिंग कोऑर्डिनेशन कंट्रोल ना ऑल तो 158 रो जदि हमें राइट ऑप्शन देखिबा कौन हो जिवो बजेटिंग रो मेन ऑब्जेक्टिव तो प्लानिंग भी रहिबो कोऑर्डिनेशन भी रहिबो कंट्रोल भी रहिबो ताले ऑल ऑफ द अबव यार राइट ऑप्शन हो जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा 159 हु अपॉइंट्स द फाइनेंस कमीशन फाइनेंस कमीशन को किए अपॉइंट करे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो राइट ऑप्शन कौन हबो 159 रो राइट ऑप्शन ता हो जिवो किए अपॉइंट करे ना फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया फाइनेंस कमीशन को किए अपॉइंट करिवो ना फाइनेंस कमीशन को आमर ना ना फाइनेंस मिनिस्टर नुह सॉरी प्रेसिडेंट अच्छे ना हाँ प्रेसिडेंट हो जिवो राइट ऑप्शन सॉरी एटा फाइनेंस मिनिस्टर नुह ये प्रेसिडेंट हो प्रेसिडेंट माध्यम तो आम फाइनेंस कमीशन अपॉइंट हुए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टा राइट ऑप्शन हो जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन होची 160 फाइनेंस कमीशन फॉर्म्ड इन इंडिया इज ऑफ पॉलिटिकल बॉडी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी एडहॉक बॉडी तो फाइनेंस कमीशन जो इंडिया रे फॉर्म होइछि सेटा को टाइप रो बॉडी बोली से पचारिस तो फाइनेंस कमीशन टा को टाइप रो बॉडी हबो तो फाइनेंस कमीशन टा तो एक्चुअली सेटा कॉन्स्टिट्यूशन अंडर रे आसुछि ताले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होबा कथा ऑप्शन ले कोटा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो देला नै एठी एक्चुअली फाइनेंस कमीशन टा आमर कोठी कॉन्स्टिट्यूशनल अंडर रही तो एटा एग्जैक्ट राइट ऑप्शन जो लिखिबो एटा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी राइट ऑप्शन हो जिवो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी माने कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आसुछि तो एटा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो एठी ऑप्शन नै नै एडहॉक गोटे अछि एडहॉक रो मीनिंग टा होछि जे फॉर दिस पर्पज ओनली माने जो काम पई होतो सेई पर्पज पई सेटा तो हबो नै पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैट्यूटरी स्टैट्यूटरी तो निजर ओटा माने कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आसु नथिबो तो सेटा तो हबो नहीं ए दुटा भितर कोटा हे पारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीटा आमे कोन पॉलिटिकल बॉडी कहबा ना एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कहबा तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीटा जेहेतु एटा गवर्नमेंट अंडर आसुची तो यार जानी थाओ एठी से ऑप्शन अलगा देछि तो राइट ऑप्शन टा होची कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फाइनेंस कमीशन फॉर्म इन इंडिया इज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यार राइट ऑप्शन है जोटा कि एठी ऑप्शन ही नहीं। तो नेक्स्ट 161 क्वेश्चन को आसीबा द इंसिडेंस ऑफ टैक्स रेफर्स टू इंसिडेंस टा कौन फाइनल बर्डन जोटा द लेवल एंड रेट ऑफ टैक्सेशन हु अल्टीमेटली पेज द टैक्स तो राइट ऑप्शन टा एठी कौन है बी हो राइट ऑप्शन जे जी लास्ट रे ही दौर से राइट ऑप्शन हम तापर 162 व्हिच टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स को टैक्स टा शिफ्ट करहबो ना ना डायरेक्ट टैक्स को हम शिफ्ट कर पारिबा ना तो डायरेक्ट टैक्स अच्छे कि ना देखा कौटा डायरेक्ट टैक्स एक्साइज ड्यूटी सेल्स टैक्स एंटरटेनमेंट टैक्स वेल्थ टैक्स तो ये चार्टा भितर डायरेक्ट टैक्स कौटा आम जानचे वेल्थ टैक्सटा गोटे डायरेक्ट टैक्स तो सेटा को आम शिफ्ट कर पारिबा ना आउ सब तो अच्छी ना आमर इनडायरेक्ट टैक्स तो जो भी डायरेक्ट टैक्स थी से आम शिफ्ट कर पारिबा ना तो वेल्थ टैक्सटा डायरेक्ट टैक्स जार जो वेल्थ जैसे वेल्थ सी से टैक्स दब सीटा को आउ क्या शिफ्ट कर पारिबा ना। तब नेक्स्ट क्वेश्चन होची वाइजमैन पिकॉक हाइपोथेसिस सपोर्ट्स इन ए पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस सपोर्ट्स इन ए मच स्ट्रॉन्गर मैनर द पॉसिबिलिटी ऑफ क्या से सपोर्ट करे एन अपवर्ड ट्रेंड इन पब्लिक एक्सपेंडिचर डाउनवर्ड ट्रेंड इन पब्लिक एक्सपेंडिचर कांस्टेंट इन पब्लिक एक्सपेंडिचर मिक्स्ड ट्रेंड इन पब्लिक एक्सपेंडिचर तो से दिजन को अनुसार कौन हम ये कहो जो क्या क्या पिकअप वाइजमैन हाइपोथेसिस अनुसार सेटा केमी रुहे तार सेपटा जो ऊपर को जाए ना सेपटा 163 रो जब आम राइट ऑप्शन देखा तेल अपवर्ड ट्रेंड माने एमती जिगजाग मैनर ऊपर को जाए अपवर्ड ट्रेंड इन पब्लिक एक्सपेंडिचर हो राइट ऑप्शन यार तो राइट ऑप्शन टा एठी ए हो तापर 164 द थ्योरी ऑफ फिस्कल पॉलिसी डिराइव्स फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ साउंड फाइनेंस एन आई एनालिसिस वेलफेयर इकोनॉमिक्स नॉन ऑफ द एबव
तो 164 रो राइट ऑप्शन टा कौन हबो ना थ्योरी ऑफ फिजिकल फाइनेंस डिराइव फ्रॉम साउंड फाइनेंस रु फिजिकल पॉलिसी टा डिराइव हिची प्रिंसिपल ऑफ साउंड फाइनेंस सेटा हमें राइट ऑप्शन कहिबा। तापर नेक्स्ट होची 165 द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू कोटा फीस कमर्सियल रेवेन्यू टैक्स फाइन्स एंड पेनल्टीज। तो 165 रो राइट ऑप्शन कौन है ना आम जानचे सबुठ अधिक पब्लिक रेवेन्यू कौथ्रु कलेक्ट हुए ना टैक्स रु अधिक कलेक्शन हुए। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन हो 166 क्वेश्चन चेयरमैन ऑफ द 13th फाइनेंस कमिशन एटा ऑलरेडी मु प्रीवियस क्लास रे डिस्कस करथिली। तो राइट ऑप्शन कौन है जीवो ना विजय केलकर होती 13th फाइनेंस कमिशन रो चेयरमैन थिले। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन हो 167 फिस्कल फेडरलिज्म रेफर्स टू कौन हम शेयरिंग ऑफ पॉलिटिकल पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ना ऑर्गेनाइजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इकोनॉमिक प्लान्स ना डिविजन ऑफ इकोनॉमिक फंक्शन एंड रिसोर्सेस एमंग डिफरेंट लेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट ना नॉन। तो ये इकोनॉमिक फंक्शन टाक डिफरेंट लेयर ऑफ द गवर्नमेंट रे जो सिप डिविजन करवाटा ही आम कह फिस्कल फेडरलिज्म। तो फिस्कल फेडरलिज्म पॉलिटिकल पावर नुह फिस्कल फेडरलिज्म डिविजन ऑफ इकोनॉमिक फंक्शन एंड रिसोर्सेस एमंग डिफरेंट लेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो 167 रो जदि आम देखा तले राइट ऑप्शन टा कौन है जीवो ना सी है जीवो राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट 168 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्शनल फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट रो ऑप्शनल फंक्शन माने एक्स्ट्रा आम कही परबा डिफेन्स डिफेन्स तो गोटे प्राइमरी फंक्शन लॉ एंड ऑर्डर तर तो गोटे प्राइमरी फंक्शन माने कंपलसरी से करिवो लॉ एंड ऑर्डर डिफेंस ए दुटा रहिवो किंतु ओल्ड एज सिक्योरिटी टा तार गोटे ऑप्शनल फंक्शन ओल्ड एज सिक्योरिटी माने जो वार्धक्य भत्ता दबा कि ओल्ड एज लोक मान को बेनिफिट दबा सेटा होची गोटे तार ऑप्शनल फंक्शन किंतु डिफेंस तो जहाँ भी हेल्ले कंपलसरी ताको करिया पई पड़िवो लॉ एंड ऑर्डर तो कंपलसरी करिया पई पड़िवो एगुडी को कंपलसरी फंक्शन। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन हो 169 प्रिंसिपल ऑफ साउंड फाइनेंस रेफर्स टू साउंड फाइनेंस आम क्या कहवा मैक्सिमम गवर्नमेंट स्पेंडिंग मिनिमम गवर्नमेंट स्पेंडिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बैलेंस रेट एट द मिनिमम लेवल ना बैलेंस बिटवीन टैक्स एंड स्पेंडिंग। तो 169 जदि आम राइट ऑप्शन देखा तेल मिनिमम लेवल रे जो बैलेंस हवाटा को कहा जाए माने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बैलेंस्ड एट द मिनिमम लेवल मिनिमम लेवल रे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टा बैलेंस हो बा आमे कही परिवा गैप बिटवीन रेवेन्यू एक्स एंड एक्सपेंडिचर शुड बी माने कौन मिनिमम। तो रेवेन्यू अब एक्सपेंडिचर जो बैलेंस टा सेटा बहुत मिनिमम गैप टा तांका भितरे मिनिमम रहबा दरकार माने कि आमे इक्वली इक्वल भी कही परिवा जे रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर हेले भी बहुत भलो साउंड फाइनेंस आमे कही परिवा किंबा आमर रेवेन्यूटा इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर बा मिनिमल आमर गैपटा ता भितरे मेंटेन होबा दरकार बेसी गैप न रहिबा दरकार सेटा को आमे साउंड फाइनेंस बोली कहिबा। आमे मैक्सिमम गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर देले जे मैक्सिमम करिबा ता द्वारा ए दुटा भितर गैपटा को पूरण करिपरिया सेमिति भी माने ना कि मिनिमम गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो हम ना आउ बैलेंस बिटवीन टैक्स एंड स्पेंडिंग तो सेटा करवाई कौन करवा दरकार आम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एटा को ही मिनिमम करवा दरकार भितर जो गैपटा। तो साउंड फाइनेंस माने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भितर गैपटा को मिनिमम करवा। तापर 170 प्राइवेट गुड्स आर कैरेक्टराइज बाय एप्लीकेशन ऑफ एक्सक्लूजन प्रिंसिपल रहिबो राइवल इन कंजम्पशन रहिबो पेमेंट ऑफ प्राइसेस माने प्राइवेट गुड रे हमको पेमेंट करिया पे पड़िबो एटा भी अछि तले तीनटा जको प्राइवेट गुड रे थाए। तो एठी राइट ऑप्शन कोन हिजबो ऑल हिजबो राइट ऑप्शन। तापरे 171 क्वेश्चन को जीवा टैक्स रेफर्स टू कंपलसरी कंट्रीब्यूशन पेमेंट बाय द पीपल टू गवर्नमेंट नो डायरेक्ट रिटर्न फॉर द रीपेमेंट ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन 171 कौन है टैक्स रा गोटे को प्रकार कंपलसरी कंट्रीब्यूशन अटे पेमेंट बाय द पीपल टू द गवर्नमेंट अटे नो डायरेक्ट रिटर्न ऑफ द पेमेंट आम जहाँ पेमेंट कले बदल डायरेक्ट रिटर्न पाइबा सेमती ना। तो ये तीन टा जाक ठीक टैक्स टैक्सटा रेफर्स टू ऑल द अबव। तो तीन टा जाक टैक्स को बुझाए। तापरे पंप प्राइमिंग कौन माने जो गोटे अंदर
ट्यूबवेल आम आगर जो ट्यूबवेल सब पानी जदि न उठे थो कौन करवा ना ऊपर पानी ढला जाए ऊपर पानी ढाला कि जब ट्यूबवेल प्रेस करवा से तलू पानीटा मानने बहुत जोर पा आस गोटे बहुत मिनिमल इन्वेस्टमेंट हवा द्वारा से लार्ज इन्वेस्टमेंट हे से प्रोसेसटा को पंप प्राइमिंग कह जाए तो ये देखा कौन ऑप्शन अच्छी इंजेक्शन ऑफ परचेजिंग पावर इनटू द पब्लिक थ्रू गवर्नमेंट स्पेंडिंग विड्रॉल ऑफ परचेजिंग पावर फ्रॉम द पब्लिक बैलेंस रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ना नॉन तो 172 राइट ऑप्शन जब देखा आम इंजेक्ट करवा परचेजिंग पावर इनटू द पब्लिक थ्रो गवर्नमेंट स्पेंडिंग माने गवर्नमेंट स्पेंडिंग माध्यम रे कौन करा जीवो ना गवर्नमेंट स्पेंडिंग खर्च गवर्नमेंट स्पेंड कले ताद्वारा लोक मानकर परचेजिंग पावर टा बढ़िबो परचेजिंग पावर बढ़िले माने लोक मानक पाखरे टंका आसीबो गवर्नमेंट जितेबे खर्च करिवो तो गवर्नमेंट खर्च करिवो माने ताद्वारा जनरल पीपल मानक पाखु टंका आसीबो तो मनी सप्लाई बढ़िबो परचेजिंग पावर लोक मानक मारो बढ़िबो ताद्वारा माने स्पेंडिंग टा बढ़िबा द्वारा इकोनॉमी ग्रो करिवो तो सेटा हमरो पम्प प्राइमिंग रे कहा जाउथला जो आमर बिग पुश थियोरी रजन स्टेन रटन देते तो यह विभिन्न प्रकार कनसेप्ट अच्छी जहाद्वारा कि मानने गवर्नमेंट इनिशिएटिव नेले तापरे इकोनॉमी आस्ते आस्ते ग्रो करे तो ये आमर राइट ऑप्शन 172 रो ए हिजिबो राइट ऑप्शन तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा 173 मेरिट गुड्स मीन्स प्राइवेट पब्लिक सब्सिडाइज प्राइवेट ना नॉन तो ये मेरिट गुड मैंने कौन से आम पढ़ी से वन टाइप ऑफ कौन पब्लिक गुड तो बी हिजिबो राइट ऑप्शन 173 तापर 174 क्वेश्चन को आसीबा द मोस्ट इंपोर्टेंट एम ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन ए डेवलपिंग कंट्री रे फिस्कल पॉलिसी रे मोस्ट इंपोर्टेंट एम कौन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना रीजनल बैलेंस ना नॉन तो 174 रो जदि हमें राइट ऑप्शन देखिबा से देछि जे गोटे फिस्कल पॉलिसी कहार ना डेवलपिंग इकोनॉमी डेवलपिंग माने से आहुरी डेवलप होवा चाहिए तो तार मेन पर्पजटा रहा कौन डेवलपमेंट तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो तार मेन एम कहीं डेवलपिंग अच्छे से डेवलप्ड है तो से तार इकोनॉमिक डेवलपमेंटा हम तार मेन एम तो नेक्स्ट 175 क्वेश्चन मार्केट फेलियर रेफर्स टू ए सिचुएशन केत मार्केट फेलियर हे मार्केट डज नॉट फंक्शन ना मार्केट सॉल्यूशन अकर्स इफ गवर्नमेंट इंटरफेन्स ना सोशल एफिशिएंसी इज नॉट अचीव्ड ना परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फार्म एक्सपीरियंस प्राइस ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट तो 175 रो जदि हमें राइट ऑप्शन देखिबा कौन हम कह 175 तो मार्केट फेलियर केतेबेले हबो ना जेतेबेले सोशल एफिशिएंसी हमरो अचीव हबो नाही सोशल एफिशिएंसी नॉट अचीव ता द्वारा हमर मार्केट फेलियर हबो माने गवर्नमेंट जहाँ चाहू थिबो सेटा को से अचीव करि परिबो नाही मार्केट टा फेल करिबो जेमते कि हमर एक्सटर्नलिटी रे पब्लिक गुड्स रे आउ विभिन्न प्रकार जो मोनोपोली मार्केट रे से जगह रे मार्केट फेलियर हुए मार्केट माने जहाँ चाहू छी सेटा अचीव करि परे नाही तो हमर राइट ऑप्शन टा ताले एटा सी टा ही राइट ऑप्शन हे जिवो तो नेक्स्ट क्वेश्चन रे पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवल पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवल इफ केते बळे ना सम पीपल कैन नॉट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम कंज्यूमिंग इट कंजप्शन बाय वन पर्सन रिड्यूस कंजप्शन ऑफ अदर इंडिविजुअल सम पीपल आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंज्यूमिंग इट ना ऑल ऑफ द अबव तो 176 रो राइट ऑप्शन रे कोन हिजो से कोची नॉन राइवल माने केही कहरी शत्रु नथिबे राइवली हबो नाही तले कोन सम पीपल कैन नॉट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम कंज्यूमिंग इट माने किछ लोकन को आमे प्रिवेंट करि परिबा नाही सेटा को कंजप्शन करिया पई तो सेटा को ही कहिबा आमे एटा पब्लिक गुड नॉन राइवल रहिबो तो एटा हिजबो राइट ऑप्शन तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन होची 177 द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू ऑल ऑफ इट्स सोर्सेज इज कॉल्ड गवर्नमेंट रो इनकम को कोन कहिबा पब्लिक एक्सपेंडिचर पब्लिक रेवेन्यू पब्लिक फाइनेंस ना नॉन तो एटा बहुत इजी क्वेश्चन होची 177 कोन हिजबो ना गवर्नमेंट जहां इनकम करे सेटा को आमे कोन कहू ना पब्लिक रेवेन्यू बोली कहू जहां भी किछि तारो कलेक्शन होउछ तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 178 नंबर क्वेश्चन को जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इनडायरेक्ट टैक्सेस कस्टम ड्यूटीज एक्साइज ड्यूटीज सेल टैक्स ऑल ऑफ द अबव तो 178 नंबर जदि राइट ऑप्शन देखिबा कस्टम ड्यूटीज भी गोटे कौन इनडायरेक्ट टैक्स एटा भी इनडायरेक्ट टैक्स रे आसीबो एक्साइज ड्यूटी भी इनडायरेक्ट टैक्स रे आसीबो सेल टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स रे आसीबो ताले ऑल ऑफ द अबव एठी राइट ऑप्शन हे जिवो 179 क्वेश्चन को आसीबा द फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड इन एवरी
केते इयरें 3, 5, 4, 6 तो आम जाने फाइनेंस कमिशन केते वर्ष थरे अपॉइंट हुए ना 5 इयर्स थरे हुए। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 180 क्वेश्चन द मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज ऑन कहा उपरे सबुठ अधिक डायरेक्ट टैक्सटा लागू हुए प्राइस ऑफ फूड इनकम कैपिटल गुड्स कंज्यूमर गुड्स तो 180 रो राइट ऑप्शन कौन हो इनकम उपरे सबुठ अधिक डायरेक्ट टैक्सटा लागू हुए जार जिते अधिक इनकम से अधिक टैक्स दबो। तापर नेक्स्ट हूँ द वांचो कमिटी 1971 प्रोब्ड इनटू डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स एग्रीकल्चरल होल्डिंग टैक्स ना नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो ये जो वांचो कमिटी 1971 से कौन को टैक्सटा को कनसेप्ट डायरेक्ट टैक्स उपरे देथले कनसेप्ट तो डायरेक्ट टैक्स इनक्वारी कमिटी थिला तंकर वांचो कमिटी 1971 रे जो आसला डायरेक्ट टैक्स इनक्वारी कमिटी तो आमर राइट ऑप्शन हो डायरेक्ट टैक्स। तापर नेक्स्ट 182 क्वेश्चन डेफिसिट फाइनेंसिंग मीन्स डेफिसिट फाइनेंसिंग रो अर्थ कौन पब्लिक एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू इन एक्सेस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ना बोथ ना नॉन। तो 182 रो जदि हमें राइट ऑप्शन देखिबा कौन ना ये से देछि डेफिसिट डेफिसिट फाइनेंसिंग केतेबेळे हबो ना जेतेबेळे डेफिसिट केतेबेळे हबो ना पब्लिक एक्सपेंडिचर जेतेबेळे एक्सपेंडिचर माने पब्लिक एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन पब्लिक रेवेन्यू रु एक्सपेंडिचर जेतेबेळे अधिक हबो सेतेबेळे हमर डेफिसिट हबो तो सेही कांसेप्टा को कहा जाए डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो डेफिसिट को आम पुणि रिकवर करवा दरकार फाइनेंसिंग केमती कांसेप्टा रही है। तापर 183 मड भाट मीन्स मॉडिफाइड वैल्यू मॉडिफाइड MOD हूँ मॉडिफाइड VAT हूँ वैल्यू एडेड टैक्स कौटे अच्छे देख मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स फास्ट हिं ऑप्शन रे अच्छी तो 183 रो राइट ऑप्शन कौन हो एटा हो राइट ऑप्शन मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स माने वैल्यू एडेड टैक्स पर आउ थे आसाला जोटा मॉडिफाइड कहला मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। तापर 184 द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज रेज्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्स एक्सेप्ट वन व्हिच इज दैट माने कोटा बढ़ी क्या छाड़ी आउ अन्य गुड़िक स्टेट गवर्नमेंट कौन सर्सटा बढ़ी लैंड रेवेन्यू एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सपेंडिचर टैक्स। तो 184 राइट ऑप्शन टा हो देख एठी स्टेट गवर्नमेंट रे की किए मैंने को गुड़िक स्टेट गवर्नमेंट अंडर आसुची लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करे किए स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स टा भी स्टेट गवर्नमेंट रे कलेक्ट होची एंटरटेनमेंट टैक्स भी स्टेट गवर्नमेंट रे मैंने कलेक्ट होची किंतु से पचारछि द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज रेज्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेस एक्सेप्ट वन कोटा या भितरे स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करे नाही सेटा होची एक्सपेंडिचर टैक्स टा स्टेट गवर्नमेंट अंडर रे नाही। तो एठी राइट ऑप्शन तले डी हे जीव एठी 184 रो राइट ऑप्शन है जो डी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा सेटा होची 185 द फाइनेंस कमिशन डज ऑल द फॉलोइंग फंक्शन एक्सेप्ट वन गोटे को छाड़ देले आउ सब फाइनेंस कमिशन करे तो सेटा कौन वर्क्स आउट एलोकेशन ऑफ टैक्सेस इन द डिविजिबल पूल लुक्स इनटू फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट एलोकेट ग्रांट्स ग्रांटिनेट टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज असिस्टेंस द प्लानिंग कमिशन इन मेकिंग 5 ईयर प्लान। तो 185 रो राइट ऑप्शन टा कौन हो देख फास्ट रे वर्किंग आउट एलोकेशन ऑफ टैक्सेस इन द डिविजुअल पूल करे फाइनेंस कमिशन माध्यम रे हुए लुक्स इन टू फाइनेंस रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट भी रहिबो एलोकेशन ऑफ ग्रांट इन एड टू स्टेट एटा भी रहिबो यूनियन टेरिटोरीज किंतु आसीस्ट द प्लानिंग कमिशन इन मेकिंग 5 ईयर प्लान प्लानिंग कमिशन रे आसीस्ट करिवो सेटा नाही। तो एठी हमर राइट ऑप्शन डी हे जीवो कने ए तीनटा जाक तार ऊपर तीनटा जाक तार फंक्शन ए बी सी किंतु डी टा फाइनेंस कमिशन करे नाही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 186 क्वेश्चन को आसीबा 86 क्वेश्चन द मेथड ऑफ रिस्टोरिंग रिसोर्सेस बैलेंस बिटवीन डिफरेंट गवर्नमेंट्स इन ए फेडरल सेटअप इज बेस्ड ऑन टैक्स शेयरिंग ग्रांट इन एड लोन्स ना ऑल। तो 186 रो राइट ऑप्शन हो देख द मेथड ऑफ रिस्टोरिंग बैलेंस बिटवीन डिफरेंट गवर्नमेंट इन फेडरल सेटअप मैंने गवर्नमेंट आउ आमर कौन सेंटर आउ स्टेट डिफरेंट गवर्नमेंट मैंने कौन सेंटर रे गवर्नमेंट रहा आउ स्टेट रे गवर्नमेंट रहा भितर जो बैलेंस रोक आम कौन कह टैक्स शेयरिंग भी रुहे ग्रांट इन एड टैक्स शेयरिंग मैंने सेंट्रल जो स्टेट को दबो आउ ग्रांट इन एड भी सेंटर रु स्टेट को आसीबो आउ लोन्स भी सेंटर रु स्टेट को आसीपारे मैंने लोन नहीं पारे तो ऑल ऑफ द एबव राइट ऑप्शन हो पार।
तापर नेक्स्ट होची 187 फाइनेंस कमिशन डिटरमाइंस कौन डिटरमाइन करे फाइनेंस कमिशन द फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द रिसोर्सेस ट्रांसफर टू द स्टेट द रिसोर्सेस ट्रांसफर टू द वेरियस डिपार्टमेंट ना नॉन द फाइनेंस कमिशन रो मेन काम जदि आम देखा 187 रो मेन काम फाइनेंस कमिशन रो कौन ना सी जे रिसोर्सेस ट्रांसफर टू द स्टेट जो कौ स्टेट को केते रिसोर्सेस ट्रांसफर हबो सीटा ही तार मेन काम जो फाइनेंस कमिशन तुम कह जो फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फाइनेंस कमिशन करिवो सेटा नुह एटा तो नुह आउ एटा भी हे परि माने वेरियस डिपार्टमेंट को दिवनी तो सी कहू द रिसोर्सेस ट्रांसफर टू द स्टेट स्टेट को केते रिसोर्स ट्रांसफर हो सेटा ही फाइनेंस कमिशन डिटरमाइन करिथाय तो राइट ऑप्शन टा बी हे जिवो 188 फेडरल फाइनेंस डील्स विथ स्टेट फाइनेंस फाइनेंस ऑफ रेलवेज लोकल बॉडीज सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन तो 188 रे आम जब देखा फेडरल फाइनेंस कहा ऊपर डील करे ना सेंटर आउ स्टेट भितर जो फाइनेंस रिलेशन अच्छी सेटा फेडरल फाइनेंस डील करे तो राइट ऑप्शन हे जिवो सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन तापर 189 द नेम ऑफ द चेयरमैन ऑफ द 11th फाइनेंस कमिशन 11th फाइनेंस कमिशन रो चेयरमैन किए अटंती 189 तो 189 रे किए अटंती को के सी पंत ना एम खुसरो ना आरजे चेलिया ना एनकेपी स्लाभा तो सही चार्ट को देखिले ही जाना पड़ जो 189 रे हमरो एम खुसरो सेतबेले 11th फाइनेंस कमिशन ले एम खुसरो थिले तो नेक्स्ट 190 प्राइमरी डेफिसिट मीन्स फिस्काल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट आ कौन तो 190 रो राइट ऑप्शन कोटा है जीवो फास्ट रे कौन फास्ट अच्छी फिस्काल डेफिसिट तापर क्वेश्चन मार्क कौन गोटे दे दीजिए हाँ छाड़ सहीटा ही राइट ऑप्शन हम फिस्काल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट फिस्काल डेफिसिट माइनस ये जगह क्वेश्चन मार्क जगह माइनस हो फिस्काल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट को आम प्राइमरी डेफिसिट बोली कहे तो 190 राइट ऑप्शन टा से ए ही हम 190 राइट ऑप्शन तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा 191 क्वेश्चन नॉन प्लान ग्रांट्स आर डिटरमाइंडेड बाय कहा द्वारा डिटरमाइन हुए नॉन प्लान ग्रांट्स प्लानिंग कमिशन फाइनेंस कमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट तो 191 रो राइट ऑप्शन को देखिबा जदि नॉन प्लान ग्रांट्स आर डिटरमाइंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कौन करिवो ना से ये जो ग्रांट्स दे थाए ग्रांट्सटा नॉन प्लान ग्रांट्स आर डिटरमाइंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिटरमाइन करिवो जे धर को जगह को माने को स्टेट को ग्रांट्स दबार अछि तो सेटा हमरो प्लानिंग हेइ नथाय ग्रांट्सटा हटात उपरे किछि इमर्जेंसी आसिले ताको हम दे परिबो तो सेटा नॉन प्लान ग्रांट्स बोली कहा जाय सेटा सेंटर डिसाइड करे को स्टेट को केते कोन दिया जइबो तापर 192 पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट रेफर्स टू पब्लिक डेप्ट जो ऋण करुच्ची गवर्नमेंट तो ताको मैनेजमेंट करिया को कौन कहा जाए टर्म्स ऑफ न्यू बॉन्ड्स प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पब्लिक डेप्ट मैच्युरिटी ऑल ऑफ द अबव तो 192 रो राइट ऑप्शन देखो टर्म्स ऑफ न्यू बॉन्ड्स बॉन्ड इश्यू करिवो कि ना पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट भितर आसुची प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पब्लिक डेप्ट कंपोनेंट्स ऑफ पब्लिक डेप्ट तो रहिबो मैच्युरिटी टाइम पीरियड भी रहिबो एतिक दिन भितर तो ये ऑल ऑफ द अबव पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट भितर आसुची तो राइट ऑप्शन डी हे जिवो 192 193 पब्लिक एक्सपेंडिचर इनक्रीजेस कौन इनक्रीज करे पब्लिक एक्सपेंडिचर हेले इंटरेस्ट रेट बढ़िबो ना एम्प्लॉयमेंट बढ़िबो ना एक्सपोर्ट बढ़िबो ना इंपोर्ट बढ़िबो तो 193 कह कौन बढ़िबो जेते पब्लिक एक्सपेंडिचर हबो माने गवर्नमेंट रो जो एक्सपेंडिचर बा खर्च बढ़िबो माने कौन डेवलपमेंट काम रे खर्च हबो जेमती धर रोड कंस्ट्रक्शन हे गला किबा गोटे हॉस्पिटल से गला कि गवर्नमेंट कॉलेज गोटे हबो तो एई सब काम रे कौन करिबे ना लोक माने काम पाइबे लोक माने काम पाइले कौन हबो एम्प्लॉयमेंट बढ़िबो तो राइट ऑप्शन डाई एम्प्लॉयमेंट हे जिवो पब्लिक एक्सपेंडिचर इनक्रीजेस एम्प्लॉयमेंट तापर नेक्स्ट 194 सेंट्रल असिस्टेंस फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी प्लान इज ए पार्ट ऑफ डेस माने सेंटर रु जो असिस्टेंस मिलिबो स्टेट मानको आ यूनियन टेरिटरीज मानको तो सेटा तार को टाइप रो प्लान प्लान एक्सपेंडिचर ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ना नॉन तो 194 रो राइट ऑप्शन कोन हे जिवो सेटा जो सेंटर दबो स्टेट को से को स्टेट को केते दबो सेटा
ଗୋଟେ ବଜେଟ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଧର ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ର ବଜେଟ୍ ଆସିବ 2024ର, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ଦେଖିବ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ଟା ଟିକିଏ ଅଣ୍ଡର୍ ଡେଭଲପ୍ ଅଛି, ମାନେ ତା'ର ଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ କେମିତି ରିକଭର୍ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ଲାନ୍ରେ ମେନ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଥିବ ଯେ ଏଇ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଆମେ ଏତିକି ଦେବା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ପାଇଁ। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ପ୍ଲାନ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍, ମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯିବ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ, ତ ସେଇଟା ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ଭିତରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ରହିଥାଏ। ତ ରାଇଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ 194 ଏ ହୋଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଅପ୍ସନ୍। ତା'ପରେ 195 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆସିବା, ଡେଫିସିଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ସ, ତା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି, ବୋରୋଇଂସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ୍ୟ ସେଣ୍ଟର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଇସ୍ୟୁ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ କରେନ୍ସି ବାଇ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ୱିଡ୍ରଲ୍ ଅଫ୍ ପାଷ୍ଟ, ଏକୁମୁଲେଟେଡ୍ କ୍ୟାଶ୍ ବାଲାନ୍ସ ବାଇ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଅଟେ। ଡେଫିସିଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଂରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡେଫିସିଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ଅଛି, ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବରୋଇଂ ଫ୍ରମ୍ ଦ୍ୟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ବରୋ କରିପାରିବା, କାହିଁକିନା ଆମର ଡେଫିସିଟ୍ ଅଛି। ଇସ୍ୟୁ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ କରେନ୍ସି ବାଇ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁ କରେନ୍ସିକୁ ଇସ୍ୟୁ ବି କରିବ, କାହିଁକିନା ଡେଫିସିଟ୍ ଅଛି। ୱିଡ୍ର ଅଫ୍ ପାଷ୍ଟ, ଏକୁମୁଲେଟେଡ୍ କ୍ୟାଶ୍ ବାଲାନ୍ସ ବାଇ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ତ ପାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁଟା ଥିବ ତାକୁ ୱିଡ୍ର କରିପାରିବ, ଏଇଟା ବି ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟ ଏଭବ୍ ରାଇଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ମାରିପାରିବା। 195ର ଡି ହୋଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଅପ୍ସନ୍। ତା'ପରେ 196, ଦ ଡେସ୍ ହେଡ୍ ରେକମେଣ୍ଡେଡ୍ ସର୍ଟନ୍ ରିଫର୍ମସ୍ ଅନ୍ ଦ ଡିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏଡ୍ ବା ପ୍ଲାନ୍ ଫଣ୍ଡ ଟୁ LSGS ଫ୍ରମ 2006-07 ଟୁ 2010-11। ସେଇଟା କେଉଁଥିରେ ଥିଲା, ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ନା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ନା କେଉଁଟା, ଆମର 2006-07-10-11। ତ ସେଇଟା ଆମର ଥିଲା 196ର ଯଦି ଆମେ ରାଇଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖିବା, ତ ସେଇଟା ହୋଇଯିବ ଏ ହୋଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଅପ୍ସନ୍, ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନରେ। ଏଇଟା ଡାଟା ଅଛି, ଦେଖିଦେଲେ ବି ନେଟ୍ରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ପାଇଯିବ, ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଅଣ୍ଡରରେ ହୋଇଥିଲା। ତା'ପରେ 197, ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଭ୍ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ରେଟ୍ ଅନ୍ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଉଡ୍ ଲିଡ୍ ଟୁ ଏ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ରାଇଜ୍ ଇନ୍ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଭିନ୍ୟୁ। ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭ୍ୟୁ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ଟୁ, ସେ କହୁଛି ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଭ୍ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅନ୍ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଉଡ୍ ଲିଡ୍ ଟୁ ଏ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ରାଇଜ୍ ଇନ୍ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଭିନ୍ୟୁ। ଯଦି ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ କମେଇଦେବା ତାହେଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଭିନ୍ୟୁଟା ବଢ଼ିଯିବ। ତ ସେଇଟା କେଉଁ କନସେପ୍ଟର ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇଟା ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେଉଁ ଲେଫର୍ କର୍ଭରେ କନସେପ୍ଟଟା ଥିଲା, ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା କ'ଣ ନା ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ଯଦି ଆମେ କମେଇବା ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବେ, ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକ କରିଦେଲେ ଲୋକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ 197ର ଏଇଠି ଦେଖ, ଦିସ୍ ଭ୍ୟୁ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ଟୁ ହାର୍ବର୍ଟ ସାଇମନ୍, ଅର୍ଥର ଲେଫର୍, ରବର୍ଟ ଲୁକାସ୍, ଜେ ବି ସେ। ତ ଏଇଟା ଆମେ କେଉଁଥିରେ ପଢ଼ିଛେ, ଲେଫର୍ କର୍ଭ, ଲେଫର୍ କର୍ଭକୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ଅର୍ଥର ଲେଫର୍ ହୋଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଅପ୍ସନ୍। ତାହେଲେ 197ର ଯଦି ଆମେ ରାଇଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖିବା ସେଇଟା ହୋଇଯିବ ବି, ଲେଫର୍ କର୍ଭ, ଆମେ ଏମିତି ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଲେଫର୍ କର୍ଭଟା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି 198, ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଫଙ୍କସନ୍ ଥ୍ର ଡେସ୍ ବାଇଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ସେଲିଂ, ଗିଭିଂ ଆଣ୍ଡ ଟେକିଂ, ଲେଣ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ବରୋଇଂ ଅଲ୍। ତ 198ର ରାଇଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ କ'ଣ ହେବ, ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସରେ ବାଇଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ସେଲିଂ ତ ରହିବ, ଗିଭିଂ ଆଣ୍ଡ ଟେକିଂ ବି ରହିବ, ଲେଣ୍ଡିଂ ବରୋଇଂ ରହିବ, ତାହେଲେ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟ ଏଭବ୍ ରହିବ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସରେ, ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସ, ତ ଏଇସବୁ ରହିବ ତା ଭିତରେ। ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି 198, ଦ ଆଇଡିଆଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ହ୍ୱେୟାର ଦ ନେଟ୍ ବେନିଫିଟ୍ ଇଜ୍, ନେଟ୍ ବେନିଫିଟ୍ଟା କ'ଣ ହେବ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେବ, ମିନିମମ୍ ହେବ, ଜିରୋ ହେବ ନା ଇନଫାଇନାଇଟ୍ ହେବ। ତ 199ର ଯଦି ରାଇଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖିବା ଦରକାର, ତ ସେ କହୁଛି ଯେ ଆଇଡିଆଲ କେତେବେଳେ ହେବ ନା ଯେତେବେଳେ ପବ୍ଲିକ୍ ଫାଇନାନ୍ସଟା କ'ଣ ହେବ ନା ନେଟ୍ ବେନିଫିଟ୍ଟା ପବ୍ଲିକ୍ ଫାଇନାନ୍ସର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଉଥିବ ନେଟ୍ ବେନିଫିଟ୍ଟା, ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଆଇଡିଆଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ବୋଲି କହିବା। ତ 199A, ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଇଜ୍ କନେକ୍ଟେଡ୍ ୱିଥ୍, ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ଟା କାହା ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼, ଟାକ୍ସେସନ୍, ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ଆଉ ପବ୍ଲିକ୍ ଡେପ୍ଟ ନା ବଥ୍ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି। ତ ରାଇଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ କ'ଣ ହେବ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସେ କୁହ। ତ ସେଇଥିରେ ଆମର ଦୁଇଟା ଯାକ କନସେପ୍ଟ ଆସେ ନା, ଯେଉଁ କ'ଣ କ'ଣ, ଯେ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ସୋସିଆଲ୍ ବେନିଫିଟ୍ ଆଉ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ସୋସିଆଲ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ମାର୍ଜିନାଲ୍ ସୋସିଆଲ୍ ବେନିଫିଟ୍, ମାର୍ଜିନାଲ୍ ସୋସିଆଲ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ପଏଣ୍ଟ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏରିଆଟା, ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଏରିଆ। ତ ଏଇଟା ଟିକିଏ ଇଏ ହୋଇଗଲା କନସେପ୍ଟଟା, ଏମିତି ମାର୍ଜିନାଲ୍ ସୋସିଆଲ୍ ବେନିଫିଟ୍, ମାର୍ଜିନାଲ୍ ସୋସିଆଲ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଟାକ୍ସେସନ୍ ବେନିଫିଟ୍, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେଉଁ ପାଇଲେ, ତ ଏଇ ଏରିଆଟା
मैक्सिमम सोशल एडवांटेज कहा जाए तो यहाँ टैक्सेसन भी रही है एक्सपेंडिचर भी रही है तो 200 जदि आम राइट ऑप्शन देखा से बोथ ए एंड बी हो राइट ऑप्शन कौटा राइट ऑप्शन ना बोथ ए एंड डी प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज रे टैक्सेसन भी अच्छे एक्सपेंडिचर अच्छे से अनुसार केते एडवांटेज से माने पाइबे तो 2200 डी हिज राइट ऑप्शन तो आज हम डिस्कस कर देले ए वाला 200 क्वेश्चन पब्लिक इकोनॉमिक्स रे तो पब्लिक इकोनॉमिक्स रे जाय किसी कांसेप्ट थिला क्लियर हो जाइथिबो मु जहां आशा करे जे क्लियर हो जाइथिबो तो नेक्स्ट हम डेवलपमेंट पार्ट रु किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आनिबा तापर इंडियन इकोनॉमी भी अच्छे कवर करवा तो जो मैंने चैनल को नुआ आस सब्सक्राइब कर दिव आउ प्रीवियस वीडियो जो देखिन ये लास्ट पार्ट अच्छी या पूर्व ऑलरेडी वीडियो रे अपलोड हो सारी आहरी तीन टा पार्ट तो से गुड़िक देख सिस्टमेटिकली देखिकी गले सब वीडियो गुड़िक वाच कले डेली अपलोड करुच्ची 6 PM रे तो डेली वीडियो देखिले आराम से जो जो वीडियो देखी सारी थी तो लाइक करदे देखीदेव जो वीडियोटा मुझे देखी सारी कि वाच हिस्ट्री तो आसी जाइए ना वीडियोटा देखा सारी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट तो पार्ट बाय पार्ट मुझे अपलोड करुच्ची सिस्टमेटिकली प्लेलिस्ट रे भी रोची प्लेलिस्ट को सेव करदे तो मोर चैनल प्लेलिस्ट सेव हो तो सही जिते इच्छा से देखिपर तो बेनिफिट नहीं पार तो नेक्स्ट वीडियो में आम देखा से पर्यटन थैंक यू जय जगन्नाथ।